इस चुनाव परिणाम में देश भर में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो समर्थन है वो हम सबको ध्यान में आया है। 5 चुनाव हुए थे 5 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब, जिसमें से 4 राज्यों में एकदम जिसको कहना चाहिए कंफर्टेबली बड़े सुविधाजनक तरीके से बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। केवल एक पंजाब ऐसा प्रांत है जिसमें आम आदमी की पार्टी की सरकार बन रही है। पहले से ही जैसे हमको पता है कि हरियाणा पंजाब में कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले भी नहीं रही। कोई पार्टी एक या दो प्रदेशों में आती है तो उसको कोई ऐसा नहीं कह सकते कि विकल्प बन करके कोई देशव्यापी काम कर लिया है। ऐसे तो पहले भी होती नहीं है, आखिर कम्युनिस्ट भी कभी 2-3 प्रांतों में लगातार आते रहे हैं। इस प्रकार के उदाहरण और भी मिल सकते हैं कि एक या दो प्रदेशों में आए हैं। अब इनके पास 2 प्रदेश आए हैं इसका अर्थ नहीं है कि कोई राष्ट्रीय विकल्प यानी रूप में कांग्रेस के विकल्प के रूप में खड़े हो गए हैं। उपस्थिति इस नाते से राज्य में है नहीं है तो भी कांग्रेस की उपस्थिति आम आदमी पार्टी से ज्यादा अभी भी है। अब उनका आपसी संघर्ष है, आपसी विचारधारा की लड़ाई में, लेकिन आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है उसको भी मैं बिल्कुल पता ही ठीक नहीं मानता हूँ। उद्देश्य में ये कभी भी नहीं है कि हम जनता को फ्री बीज दे करके मुफ्त बांट करके और उनको जनता को नकारा बना दें। उनको अभी ये तो आरोप कोई भी किसी के ऊपर लगाया गया, कौन न्यूनतम स्तर पर चला गया, कौन ऊपर आ गया, कोई न्यूनतम जाता है, कभी ऊपर आता है, कभी ऊपर से नीचे भी जाता है। आखिर एक समय ऐसा था कि भारतीय जनता पार्टी देश में न्यूनतम स्तर पर आ गई 1984 में, आज एक समय ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी सर्वोच्च स्तर पर है देश में। तो ये राजनीति लोकतंत्र देश में राजनीति जो होती है जनता जनार्दन होती है, जनता के हाथ में होती है, जैसा डिलीवर करेगी पार्टी वैसा जनता उसमें प्रसाद देगी। तो क्योंकि चाहे सीएम हो चाहे सीएम नहीं हो, हर एक कैंडिडेट एक या दो सीटों पर लड़ते हैं। हाँ, 2 सीटों पर लड़ने वाला भी दोनों सीटों पर पीछे रह जाए ये थोड़ा ज्यादा चिंता की बात होती है, लेकिन एक ही सीट पर अगर कोई सीएम लड़ता है तो उसके लिए वो प्रदेश में पूरे में चुनाव नहीं लड़ रहा, किसी एक विधानसभा सीट में लड़ रहा है। तो एक विधानसभा सीट में कभी कभी ऐसा होता है वोटर का मूड होता है, कोई दूसरा कैंडिडेट उनके मुकाबले में कौन आता है, जातिगत समीकरण कैसे बनते हैं। किसी एक सीट के चुनाव को प्रदेश के चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए। अब उत्तराखंड में मान लो धामी जी हार गए लेकिन सरकार तो फिर भी बीजेपी की बन रही है ना, मेजोरिटी बीजेपी की आई है, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी वहाँ पिछड़ी ऐसा नहीं है। धामी जी अगर एक चुनाव से हारे हैं और बहुत ऐसे कई बार बड़े बड़े दिग्गज वहाँ जाते हैं।